हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स, वो भी कौन से जुलाई मंथ के फर्स्ट वीक के, यानी जुलाई महीने के पहले सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हम आज देखेंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। उससे पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो या स्टडी से रिलेटेड वीडियो डालें वो सीधे आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फर्स्ट मोबाइल ऐप नेम्ड एज नाडा ऐप। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नाडा ऐप, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है किरण रिजिजू, यानी कि बी ऑप्शन। अब फ्रेंड्स, एंटी डोपिंग एजेंसी कौन सी होती है, उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट रहते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए कुछ या तो सिरप लेते हैं या कुछ लिक्विड या मेडिसिन या पाउडर कह सकते हैं, जो केमिकल सब्सटेंस रहते हैं जो बॉडी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं रहते, वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए एनर्जी लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो उसकी चेकिंग के लिए एंटी डोपिंग एजेंसी होती है जो एथलीट का टेस्ट, ब्लड टेस्ट के द्वारा ये जान सकती है कि उसने कुछ ऐसा केमिकल सब्सटेंस तो नहीं लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी पहली मोबाइल ऐप लॉन्च हुई है नाडा ऐप, तो किसके द्वारा हुई है, किरण रिजिजू। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। किरण रिजिजू ये यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के, ठीक है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा है फ्रेंड्स, अरुणाचल वेस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, अब ये ऐप लॉन्च की है टू ब्रिज द गैप बिटवीन नाडा एंड द एथलीट्स, है ना, यानी कि नाडा एजेंसी और एथलीट्स के बीच में गैप को कम करने के लिए, ताकि उस एप्लीकेशन पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड रहे, उसके लिए ये ऐप लॉन्च की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें और ऑप्शंस में जो नाम है उनके बारे में भी देख लेते हैं। राजनाथ सिंह, राजनाथ सिंह हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी कौन सी है, गाजियाबाद से हैं ये, और नरेंद्र मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, प्रकाश जावड़ेकर ये महाराष्ट्र से इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और ये काय के मिनिस्टर हैं, एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, इनके पास में इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का डिपार्टमेंट भी है, और साथ ही ये मिनिस्टर हैं हैवी इंडस्ट्री एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के भी। ठीक है, और एम वेंकैया नायडू कौन है, ये हमारे यानी इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 5th जुलाई। ठीक है, 5th जुलाई को मनाया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का स्टैब्लिशमेंट हुआ था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With which two Maharatna public sector undertaking the South Delhi Municipal Corporation has signed an MOU for setting up of a waste to energy plant Okhla, New Delhi. ठीक है, किन दो महारत्न कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बीच में एक MOU, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग या अंडरस्टैंडिंग ये साइन हुआ है काय के लिए, वे जो अपने एनर्जी प्लांट होता है ओखला न्यू दिल्ली में है उसमें वेस्ट जो है उसका सेटअप करने के लिए। तो ये किन दो महारत्न कंपनियों के बीच में हुआ है? तो ये है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन एंड NTPC लिमिटेड, यानी कि आपका आंसर है सी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुडनी जॉनसन ये प्रेसिडेंट बने हैं कौन सी कंट्री के? तो ये प्रेसिडेंट बने हैं आइसलैंड के। ठीक है,
गुडनी जॉनसन प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड वॉज री इलेक्टेड एंड वॉन विथ 91% वोट्स के साथ फ्रेंड्स ये प्रेसिडेंट इलेक्शन जीते हैं और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे 2016 में आइसलैंड के जब से आइसलैंड का इंडिपेंडेंस हुआ यानी स्वतंत्रता मिली है आइसलैंड को 1944 से तब से लेकर 2016 में ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने थे ठीक है फ्रेंड्स। और आइसलैंड सेकेंड यूरोपियन कंट्री है जिसने कोविड-19 के दौरान इलेक्शंस हुए हैं ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल डॉक्टर्स डे 2020 ठीक है। तो नेशनल डॉक्टर्स डे की जो 2020 की थीम है वो क्या थी फ्रेंड्स, लेसन द मॉरलिटी ऑफ कोविड-19 यानी कि ऑप्शन बी ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 में मृत्यु दर को कम करना ठीक है, ये इसकी थीम थी नेशनल डॉक्टर्स डे की। अब फ्रेंड्स नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया कब जाता है, 1 जुलाई को ठीक है, ये क्वेश्चन में है 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे ठीक है। अब ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि इस दिन बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरी आती है डॉक्टर बिदेन चंद्र रॉय की जिन्हें बीसी रॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये एक फेमस फिजिशियन, इंडिया के फेमस फिजिशियन माने जाते हैं और ये साथ ही साथ सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल भी रह चुके हैं ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पोर्टल स्किल कनेक्ट फोरम टू कनेक्ट जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म यानी कि किस राज्य ने एक पोर्टल लॉन्च की है फ्रेंड्स जिसमें जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी मिल सके एक ही प्लेटफॉर्म पे, यानी जैसे वेबसाइट्स रहती है या एप्स रहती है वैसे एक प्लेटफॉर्म पे उनको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स, कर्नाटक ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा कर्नाटक ठीक है। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है, बीएस येदियुरप्पा ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कर्नाटक के सीएम कौन है, बीएस येदियुरप्पा। इन्होंने ये पोर्टल लॉन्च किए स्किल कनेक्ट फोरम ठीक है, इसके तहत क्या है जॉब सीकर्स कैन रजिस्टर ऑन वेबसाइट, ये वेबसाइट्स दी है फ्रेंड्स, इसमें जो बेरोजगार है जिनको नौकरी की जरूरत है वो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे। तो वो जो क्वालिफिकेशन उनकी रहेगी उसके अकॉर्डिंग उनके पास में रिक्रूटमेंट का आएगा मैसेज या नोटिफिकेशन और इसके तहत वो अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग डिफरेंट डिपार्टमेंट में जॉब ढूंढ सकते हैं कर्नाटक स्टेट के अंतर्गत ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन कन्फर्म्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स फॉर लाइफटाइम अचीवमेंट्स। फ्रेंड्स ये अवार्ड अभी से स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड, ये स्टैटिस्टिक्स में क्षेत्र में दिया जाता है लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए। तो यह किसको मिला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ए यानी कि चक्रवर्ती रंगराजन ठीक है, इन्हें मिला है चक्रवर्ती रंगराजन जी को ठीक है। He received the Lifetime Achievement Award for his contribution in providing solution in the issue related to the estimation of national income. यानि national income के issues से related उन्होंने कुछ solutions provide करे हैं उसी के लिए उन्हें ये award दिया गया है ठीक है friends। ये हमारे RBI के governor भी रह चुके हैं चक्रवर्ती रंगराजन जी ठीक है, और politicians भी रह चुके हैं। अब ये अवार्ड के बारे में जान लेते हैं, द अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ठीक है, फ्रॉम 2020 यानी 2020 से ये स्टार्ट हुआ है। अब ये अवार्ड हर वर्ष दिया जाएगा ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र के लिए अवार्ड दिया जाएगा ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन, यानी कि किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय नाम के कैंपेन को स्टार्ट किया है लॉकडाउन में कोविड-19 के कारण। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ठीक है, मध्य प्रदेश ने ये स्कीम लॉन्च की है और ये चालू कब से हो रही है, 6 जुलाई 2020 से ठीक है। इस स्कीम के तहत है कि जैसे कि स्कूल में बेल बजती है और क्लासेस स्टार्ट होती है वैसे ही क्लासेस स्टार्ट होगी कि बेल बजेगी और फिर टीचर पढ़ाएंगे लेकिन कैसे, ऑनलाइन
ठीक है, क्योंकि COVID-19 की वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस सब बंद हैं, लेकिन ये स्कीम लॉन्च की है मध्य प्रदेश ने ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। तो ये हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन किसने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फूड टेक जायंट स्विगी स्विगी ने लॉन्च किया है एक डिजिटल वॉलेट स्विगी मनी। किसकी पार्टनरशिप, किस बैंक की पार्टनरशिप के साथ ये लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ICICI बैंक के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, अब ICICI बैंक के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो ICICI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ICICI बैंक के चेयरमैन हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि CEO ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO किसको बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रविंद्र भाकर। रविंद्र भाकर जी को बनाया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के CEO। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये कौन है। ये इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस के बैच के ऑफिसर हैं और इन्होंने रिप्लेस किया है अनुराग श्रीवास्तव को। अब भाकर वॉज पोस्टेड एज द सेक्रेटरी एंड चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ऑफ वेस्टर्न रेलवे, यानी कि अभी तो ये CEO बनाए गए हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के, लेकिन इससे पहले ये सेक्रेटरी एंड चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर थे वेस्टर्न रेलवे के, और साथ ही उन्होंने इंडियन इंजीनियर सर्विस ऑफिसर के तौर पर भी जॉब की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टू कंट्रीज हैव कंडक्टेड नेवल एक्सरसाइज पैसक्स टू प्रमोट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर टैक्टिकल एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। तो फ्रेंड्स नेवल एक्सरसाइज है पैक्सेस पैक्सेक्स, तो ये किन दो कंट्रीज के बीच में होती है? तो इसका आंसर है इंडिया एंड जापान, यानी कि सी। 15th एक्सरसाइज अंडरटेकन बाय द नेवीज ऑफ दीज टू नेशंस इन द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, और ओवरऑल कंटेंट ऑफ दिस पैक्सेस वॉज गुडविल ट्रेनिंग टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग। तो पैक्सेस किसके बीच में है इन नेवल एक्सरसाइज? इंडिया एंड जापान। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल पोस्टल वर्कर डे। फ्रेंड्स देर से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, हमने अलग अलग मंथ के अलग अलग वीडियोस आपको प्रोवाइड करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, हमने हर मंथ के अलग अलग प्रोवाइड किए हैं। अभी हमने अगस्त मंथ तक के बताए हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेज, तो आप वो भी देख सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि नेशनल पोस्टल वर्कर डे कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि 1 जुलाई। ठीक है, 1 जुलाई को मनाया जाता है नेशनल पोस्टल वर्कर डे। अब नेशनल पोस्टल वर्कर डे ये एक वे है थैंक यू बोलने का पोस्टमैन को जो कि काम करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे अभी COVID-19 में भी ऑनलाइन सर्विस चालू है, अभी भी वो सेवा दे रहे हैं, तो उन्हीं के लिए नेशनल पोस्टल वर्कर डे मनाया जाता है कब? 1 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिपोर्ट टाइटल, एक रिपोर्ट निकली है फ्रेंड्स टूवर्ड्स अ क्लीन एनर्जी इकोनॉमी पोस्ट COVID-19 अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एनर्जी एंड मोबिलिटी सेक्टर, ये रिलीज की है नीति आयोग और किसने? ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके लॉन्च की है ये रिपोर्ट, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? दूसरी, एक तो नीति आयोग है और दूसरी कौन सी है फ्रेंड्स? तो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर एंड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। यानी कि फ्रेंड्स नेक्स्ट एम्बेसडर यानी एम्बेसडर किसे बनाया गया है यूनाइटेड नेशन और जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनेवा स्विट्जरलैंड में, यानी कि जैसे WHO, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहाँ के लिए इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी इंदिरा मणि पांडे जी को बनाया गया है रिप्रेजेंटेटिव
अब ये 25 से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में, जिसमें WHO इंक्लूड है, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल इंक्लूड है, इसके इन सभी को रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, ठीक है। अब इससे पहले कौन थे? राजीव के चंद्र, ठीक है, जिनके 3 साल कंप्लीट हो गए हैं, तो ये इससे पहले रिप्रेजेंटेटिव थे। किन से पहले? इंदिरा मणि पांडे से पहले। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के न्यू चेयरमैन, नए चेयरमैन किन्हें बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, श्रीकांत माधव वेदिया, ठीक है, श्रीकांत माधव वेदिया जी को बनाया गया है चेयरमैन। अब इससे पहले ये डायरेक्टर थे IOC बोर्ड के, यानी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन बोर्ड के ही डायरेक्टर थे। अब उसके बाद में उन्होंने संजीव सिंह की जगह रिप्लेस करा है, ठीक है। और ये वैद्या जो है, ये चेयरमैन भी रह चुके हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और उसके बाद में ये रतनगिरी रिफाइनरी के भी हेड रह चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन? डायरेक्टर जनरल किन्हें बनाया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सी, यानी कि संजय द्विवेदी। संजय द्विवेदी जी को बनाया गया है, ठीक है। अब संजय द्विवेदी जी को क्या बनाया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। अभी के तौर पर वो कौन सी पोस्ट पर है फ्रेंड्स? रजिस्ट्रार है माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी के, ठीक है, भोपाल में जो MCU यूनिवर्सिटी है उसके रजिस्ट्रार हैं। और KS धतीवाल प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल इन द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज प्रेजेंटली होल्डिंग द एडिशनल चार्ज। अभी कौन डायरेक्टर जनरल है इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के? KS धतीवाल, इनके पास एडिशनल चार्ज है, क्योंकि ये मेनली जनरल डायरेक्टर जनरल है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, ठीक है। अब ये जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, ये एस्टैब्लिश हुई थी 1965 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज कैंसल्ड द 2021 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, यानी कि APEC 2021 जो कैंसिल हुआ है कोरोना वायरस की वजह से, वो किसके द्वारा लीड करा गया है वर्चुअली? तो ये फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में होने वाला था फ्रेंड्स ये, कहाँ पे? न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ये ऑर्गेनाइज होने वाला था APEC, लेकिन अब ये वर्चुअल सबमिट हुई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the theme of the National Statistics Day 2020 celebrated every year on 29 June? अब नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 29 जून को। और किनकी बर्थ एनिवर्सरी पे? PC महालो नोबिस, ठीक है। इनका भी एक और क्वेश्चन हमने देखा था जो अवार्ड स्टार्ट हुआ इनके नाम से। तो 29 जून को मनाया जाता है नेशनल स्टेटिस्टिक्स डे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि इसकी 2020 की थीम क्या थी, तो 2020 की इसकी थीम थी फ्रेंड्स गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। क्या थीम थी? गुड हेल्थ एंड वेलबींग एंड जेंडर इक्वलिटी। अब PC महालो नोबिस जो हैं फ्रेंड्स, उन्हें फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स माना जाता है, और पहला स्टैटिस्टिक्स डे 29 जून 2006 को मनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री टू सबमिट द रिजल्ट्स फॉर रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज? यानी कि फ्रेंड्स, कौन सी पहली ऐसी अफ्रीकन कंट्री है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिजल्ट सबमिट किए हैं, जिसने अपने कंट्री में डिफॉरेस्टेशन जो रहता है और फॉरेस्ट यानी पॉल्यूशन से रिलेटेड वो मेजर्स कम करे हैं, ठीक है। तो ऐसा करने वाला कौन सा है? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स, युगांडा। युगांडा ने ऐसा किया है। द सबमिटेड डॉक्यूमेंट विल हेल्प युगांडा टू क्लाइम द फंड थ्रू द ग्रीन क्लाइमेट फंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन स्कीम, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके तहत क्या होगा फ्रेंड्स, ये इसमें बताया गया है कि कितना रिडक्शन उन्होंने करा है एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारा इस फंड में बताया गया है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट हैज बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव द लर्निंग आउटकम एंड गवर्नेंस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल इन 6 इंडियन स्टेट्स अंडर स्टार्स प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक के द्वारा कितने अमाउंट के लिए अप्रूव किया गया है लर्निंग आउटकम, यानी कि स्कूल्स के लिए 6 इंडियन स्टेट्स अंडर स्टार्स प्रोग्राम, स्टार्स प्रोग्राम के तहत कितना अमाउंट दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी, यानी कि USD। ठीक है, 500 मिलियन। ठीक है, 500 मिलियन USD अमाउंट दिया गया है स्टार्स प्रोजेक्ट के तहत। अब इसमें फ्रेंड्स जो स्कीम है वो कौन कौन से स्टेट के लिए है, हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ठीक है फ्रेंड्स, ये नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा कि स्टार्स प्रोग्राम के तहत कौन से 6 इंडियन स्टेट्स हैं, राज्य हैं जिनको ये स्कीम का लाभ मिलेगा। तो वो है हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज अप्रूव $750 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोग्राम टू सपोर्ट सेवरली इम्पैक्टेड MSMEs इन इंडिया ड्यू टू COVID-19। यानी कि कौन सी बैंक है जिसने $750 मिलियन अप्रूव किया है MSME को देने के लिए COVID-19 के क्राइसिस में जो इमरजेंसी आई है उनके। MSME क्या होता है फ्रेंड्स, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, जो छोटे व्यापार होते हैं ना, छोटे या मीडियम, वो व्यापार MSME के अंतर्गत आते हैं। तो ये कौन सी बैंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक में भी फ्रेंड्स 5 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें 5 टाइप्स के हैं। तो उसमें से एक टाइप है IBRD, यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स इन इंडिया। ठीक है, किस बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च की गई है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स HDFC। क्या आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, HDFC बैंक के द्वारा ई किसान धन ऐप लॉन्च करी गई है। अब HDFC के बारे में जान लेते हैं। HDFC का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और इनके चेयरमैन है दीपक पारेख और CEO है आदित्य पुरी। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। अब इसमें ऐप प्रोवाइड क्या करेगी, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज टू फार्मर विच विल हेल्प देम टू मीट द नीड्स ऑफ द रूरल इको सिस्टम। ठीक है, यानी उनसे खेती से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको ऐप पे ही मिल जाएगी। उसके बाद में बैंकिंग, एग्रीकल्चर फैसिलिटी जो रहती है, सर्विसेज, वो भी सब मोबाइल फोन्स पे उनको मिल जाएगी। जितनी स्कीम्स हैं और उनको कैसे क्या वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें उनको उसी ऐप पे, यानी ई किसान धन ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2020 released by the startup Genome Bangalore, which become the only city in the country to be included in the world top 30 startup ecosystem ranking. ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स एक रिपोर्ट जारी करी गई है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा। ठीक है, स्टार्टअप जीनोम के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि इसमें टॉप 30 जो स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग है उसमें इंडिया के कौन सी सिटी इंक्लूड है, तो वो है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु आपका आंसर हो जाएगा। बेंगलुरु बिकम द ओनली सिटी इन द कंट्री टू बी इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड टॉप 30 स्टार्टअप इकोसिस्टम। अब उसकी रैंक क्या रही फ्रेंड्स, 26। बेंगलुरु कौन से रैंक पर रहा, 26th पे रहा। ठीक है, और उसी लिस्ट में दिल्ली नेशनल, अपने इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली या दिल्ली, वो 36th नंबर पे रही लिस्ट में। उसके बाद में बेंगलुरु को स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया फ्रेंड कि बेंगलुरु को किस नाम से भी जाना जाता है, स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया। और इस लिस्ट में टॉप पे ओवरऑल कौन रहा, कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली। ठीक है, कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली टॉप पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स।
वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल अंडर प्रोजेक्ट प्लेटिना वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है वो प्लेटिना प्रोजेक्ट के तहत किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये चालू करा गया है। अब प्रोजेक्ट का नाम हो गया प्लेटिना, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? सीएम ऑफ महाराष्ट्र यानी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, तो वो कौन है? उद्धव ठाकरे जी, ठीक है। उसके बाद में फॉर दिस ट्रायल प्रोजेक्ट द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडिया के मेडिकल जो रिसर्च डिपार्टमेंट है उसका नाम क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यही फ्रेंड्स ट्रायल के लिए अप्रूवल अगर देती है तो ही कुछ भी चीज़ का ट्रायल कर सकते हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है उसके लिए अप्रूवल दिया है इन्होंने महाराष्ट्र स्टेट को, ठीक है। तो प्लेटिना प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्लाज्मा थेरेपी का जो ट्रायल है वो कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ है? महाराष्ट्र। फ्रेंड्स प्लाज्मा थेरेपी के बारे में भी हमने वीडियो बनाया था, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which two Indian institutes secured their rank in the top 100 in the Young University Ranking 2020 released by Time Higher Education? यानी कि फ्रेंड्स टाइम हायर एजुकेशन के द्वारा एक जो लिस्ट जारी करी गई है रैंकिंग यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, उसमें इंडिया की कौन से इंस्टीट्यूट ने रैंक अंडर 100 में है? तो वो है, अपना आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका 25th का सी, यानी कि आईआईटी रोपड़ एंड आईआईटी इंदौर। आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर ये टू इंस्टीट्यूट्स हैं इंडियन के जिन्होंने टॉप 100 में रैंक करा है, ठीक है। अब ये हायर एजुकेशन जो टाइम्स हायर एजुकेशन है ये यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी करती है विच आर 50 ईयर्स ओल्ड और यंगर, यानी जो यूनिवर्सिटी 50 साल पुरानी है 50 साल यंग है उससे रिलेटेड ये रैंकिंग जारी करती है। तो जो दो इंडियन इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने टॉप 100 में रैंक हासिल की है, लेकिन कौन सी? आईआईटी रोपर ने जो रैंक हासिल की है वो बेस्ट 12 ईयर ओल्ड इंस्टीट्यूट के अंतर्गत की गई है और उसकी रैंक रही 62 और आईआईटी इंदौर की 64th, ठीक है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे एंड इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर रैंक्ड 101 एंड 150, यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे इसकी रैंक रही 101 और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर की रैंक रही 150, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोटेड नॉवेलिस्ट गीता नागाभूषण पास्ड अवे रिसेंटली, शी यूज्ड टू राइट इन विच लैंग्वेज? फ्रेंड्स गीता नागाभूषण जी एक नॉवेलिस्ट थी जो जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो ये कौन से लैंग्वेज में लिखती थी? तो ये लिखती थी कन्नड़ में, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कन्नड़ की नॉवेलिस्ट थी गीता नागाभूषण जो कि अभी एक हार्ट अटैक से जिनकी डेथ हो गई है। अब ये शी वॉज द फर्स्ट वुमेन राइटर टू बैक केंद्र साहित्य अकादमी एंड नदोजा अवार्ड एंड सर्व एज द चेयरपर्सन ऑफ कर्नाटक साहित्य अकेडमी, यानी कि फ्रेंड्स ये पहली वुमेन राइटर थी जिन्होंने केंद्र साहित्य अकादमी और नदोजा अवार्ड जीता था और साथ ही चेयरपर्सन रह चुकी हैं कर्नाटक साहित्य अकेडमी की। और इन्होंने 76th अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन 2020 जो हुआ था वो उन्होंने ये अवार्ड जीता था। कौन सा? 76th अखिल भारतीय कन्नड़ साहित्य सम्मेलन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोन पे हैज पार्टनर विथ विच बैंक ऑन द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI मल्टी बैंक मॉडल टू प्रोवाइड इट्स यूजर द ऑप्शन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल UPI IDs, ठीक है। यानी फोन पे ने किसके साथ पार्टनरशिप की है मल्टीपल UPI IDs क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी, यानी कि ICICI बैंक, जिसकी डिटेल हमने थोड़ी देर पहले ही देखी है। अब फोन पे गिविंग इट्स यूजर द ऑप्शन टू क्रिएट एंड यूज मल्टीपल UPI IDs विद ICICI बैंक एंड यस बैंक हैंडल ऑन द फोन पे, यानी कि आप एक से ज़्यादा UPI IDs क्रिएट करके और उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च अ कैंपेन कॉल्ड
किल कोरोना फ्रॉम 1 जुलाई 2020 अंडर विच डोर टू डोर सर्वे विल बी कंडक्टेड टू कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ कोविड-19। यानी कि किस राज्य के द्वारा किल कोरोना नाम से एक कैंपेन चालू हुआ है फ्रेंड्स, जिसके तहत यह है कि वो घर घर जाकर सर्वे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिजनेस टू बिजनेस B2B डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैज पार्टनर विद विच बैंक टू लॉन्च क्रेडिट कार्ड फॉर MSME। ठीक है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो उसने किसके साथ में पार्टनरशिप की है, किस बैंक के साथ में पार्टनरशिप की है क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए MSME के लिए? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा A, यानी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में। अब स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। SOLV MSME क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड्स MSME क्लाइंट्स विद अ रेडी मींस टू मीट ऑनगोइंग बिजनेस एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सप्लायर्स पेमेंट रॉ मटेरियल, इन सब के खर्च के लिए ये लोन प्रोवाइड करेगा। और SOLV क्या है? एक रजिस्टर्ड स्टैंडर्ड चार्टर्ड रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लंदन हेडक्वार्टर है स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्रुप के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड अफोर्डेबल हाउसिंग टू द अर्बन पुअर ऑफ विच स्टेट? ठीक है, इंडिया सरकार यानी भारत सरकार के द्वारा एक एग्रीमेंट हुआ है वर्ल्ड बैंक के साथ में, जिसके तहत वो हाउसिंग यानी घर प्रोवाइड कर सके अर्बन पुअर यानी कि जो पुअर लोग हैं उनके लिए। तो ये किस स्टेट की गवर्नमेंट ने साइन करा है वर्ल्ड बैंक के साथ में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? C, तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ऐसा करा है। द एग्रीमेंट साइंड हैज टू प्रोजेक्ट्स अंडर इट, तमिलनाडु हाउसिंग सेक्टर स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम और तमिलनाडु हाउसिंग एंड हैबिटेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत दो प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में लोन जो रहेगा वो दोनों प्रोजेक्ट के लिए है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के ग्रुप यानी हमने अभी देखा था कि 5 ग्रुप होते हैं, मैंने बताया था। तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD के तहत ये लोन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोलुंग जू। ठीक है, खोलुंग जू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है फ्रेंड, ये किस कंट्री में लोकेटेड है? तो इसका आंसर है भूटान। अब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन क्यों हुआ फ्रेंड्स? ये तो स्टैटिक होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर हाल ही में कुछ चीज़ हुई है तो वो करंट में आ जाता है उससे तहत। ठीक है, अब यहाँ पे अब ये करंट में क्यों है? क्योंकि ये एग्रीमेंट साइन हुआ है खोलुंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड और रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान का। इसके तहत क्या है फ्रेंड्स कि खोलुंगजू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड जो है ये भूटान के ज्यूरिसडिक्शन यानी भूटान गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही इसमें वर्क होगा। और द कंसेंशन एग्रीमेंट साइनिंग वॉज कंडक्टेड एट भूटान सिटी थिम्पू। द एग्रीमेंट साइनिंग वॉज अटेंडेड वर्चुअली बाय द मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया डॉक्टर SJ। ठीक है, ये वहाँ मौजूद थे एग्रीमेंट में वर्चुअली, है ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? खोलुंगजू हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ पे है, किस कंट्री में? तो उसका आंसर होगा भूटान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एट वन क्लिक इनिशिएटिव फॉर MSME एंड अदर बिगर इंडस्ट्री? यानी किस राज्य सरकार के द्वारा में एट वन क्लिक इनिशिएटिव एक स्टार्टअप लॉन्च हुआ है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या बड़ी इंडस्ट्री जो है उसके लिए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? C, यानी कि गुजरात। ठीक है, गुजरात के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। गुजरात के CM कौन है? विजय रूपाणी जी, उन्होंने ये स्टार्ट किया है एट वन क्लिक। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लिचन या लाइकन पार्क? ठीक है,
अब लिचिन पार्क ये जो है ये किस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी यानी उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड ने किया है। अब लाइचेंस आर फाउंड इन द हिमालयाज अप टू 5000 meters आर इम्पोर्टेंट स्पीशीज एज दे आर बेस्ट बायो इंडिकेटर्स ऑफ द पॉल्यूशन लेवल। फ्रेंड्स लिचेंस जो रहते हैं ये आपने देखा होगा फंगई की स्पीशीज के होते हैं, जैसे काई जम जाती है हरी हरी पेड़ पे या कहीं पे, तो वो जो रहती हैं वो फंगस रहती हैं, वो लिचेंस रहती हैं, और उन्हें एनवायरमेंट पॉल्यूशन लेवल का बायो इंडिकेटर माना जाता है, इसलिए उनकी स्पीशीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने डेवलप किया है लिचन पार्क। ठीक है, तो कौन सी स्टेट ने किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड हैज मोर देन 600 स्पीशीज ऑफ लिचन्स फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा कहाँ है लिचन्स की स्पीशीज? उत्तराखंड में, फिर हिमाचल प्रदेश में और फिर जम्मू कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेमस फुटबॉलर मारियो गोमेस हैज अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट, फॉर विच कंट्री डिड ही प्ले। यानी कि एक फेमस फुटबॉलर है मारियो गोमेस, इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है, संन्यास की घोषणा की है स्पोर्ट से, ये कौन सी कंट्री के लिए खेलते थे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स बी यानी जर्मनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IAS विनी महाजन बिकम फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। IAS विनी महाजन पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी है किस स्टेट की? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। अब ये रिप्लेस करेंगी करण अवतार सिंह को। ठीक है, करण अवतार सिंह थे इससे पहले वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी, अब कौन रहेंगी? IAS विनी महाजन। ठीक है, और जो करण अवतार सिंह है उन्हें स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, गवर्नेंस रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइकल मार्टिन हैज इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बने हैं किस देश के हाल ही में? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आइसलैंड। ठीक है, इसका आंसर है ए आइसलैंड। आइसलैंड के बने हैं, सॉरी फ्रेंड्स आयरलैंड के, आयरलैंड के बने हैं ये प्राइम मिनिस्टर माइकल मार्टिन। माइकल मार्टिन कहाँ के बने हैं प्राइम मिनिस्टर? आयरलैंड के, और इनकी पार्टी का नाम क्या है? फियाना फेल पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 36th एशियन समिट हेल्ड वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस अंडर चेयरमैनशिप ऑफ वियतनाम प्राइम मिनिस्टर न्यूगेन शुआन फुंग। ठीक है, इनके अंडर में एशियन समिट वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की गई है, तो उसमें थीम क्या थी 36th एशियन समिट की, ये पूछा गया फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। ठीक है, आंसर क्या है? कोहेसिव रिस्पॉन्सिव एशियन, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव एशियन। अब 36th एशियन समिट जो है फ्रेंड्स, इसके बारे में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जो 36th एशियन समिट है ये शेड्यूल हुई थी अप्रैल में वियतनाम में दानांग जगह पर, लेकिन ये COVID-19 के वजह से पोस्टपोन हो गई है, इसलिए ये ऑनलाइन कंडक्ट हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रिनाउंड पर्सनालिटी सरोज खान पास्ड अवे रिसेंटली। ठीक है, अभी हाल ही में सरोज खान जी की डेथ हो गई है। वह क्या थी? तो वह कोरियोग्राफर थी। कोरियोग्राफर यानी कि जो डांस सिखाते हैं, जो डांसर्स को ट्रेन करते हैं वो कोरियोग्राफर होते हैं। तो उनकी हाल ही में डेथ हो गई है सरोज खान जी की, हार्ट अटैक से यानी कार्डिक अरेस्ट, जो कि हार्ट अटैक से ही रहता है एक पार्ट। द 3-time नेशनल अवार्ड विनर, ये 3 बार नेशनल अवार्ड विजेता रही हैं। ठीक है, और उन्होंने बहुत एक मेमोरेबल सॉन्ग्स कंडक्ट करे हिंदी सिनेमाज में, बहुत सारे सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने कोरियोग्राफ्ड करे हैं। ठीक है, जो डांस प्रिपेयर करते हैं ना स्टेप्स, वो उन्होंने करे हैं सरोज खान ने, और उन्होंने कम से कम 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स कोरियोग्राफ किए हैं उनके करियर में, जिसमें से कुछ फेमस सॉन्ग आप यहाँ पे देख सकते हैं, डोला रे डोला, ठीक है, 1, 2, 3, उसके बाद में ये इश्क हाय बैठे बैठाए। ठीक है, ये कुछ सॉन्ग्स हैं जो उन्होंने कोरियोग्राफ्ड किए थे, और उन्होंने जो उनका लास्ट कोरियोग्राफ डांस था वो तबाह हो गए, यानी कि फिल्म मेकर करण जौहर प्रोडक्शन कलंक, कलंक मूवी में जो सॉन्ग था तबाह हो गए, वो उनका आखिरी कोरियोग्राफर डांस था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं।
According to the report, annual marine fish landing in India for 2019 by Central Marine Fish Research Institute, which state grabbed the top in annual fish production. In short, friends, एक annual marine fish landing India 2019 की रिपोर्ट आई है जिसमें ये पूछा गया है कि annual fish production में सबसे टॉप पे कौन सा स्टेट रहा है. ठीक है, तो इसका आंसर है तमिलनाडु. As the reported, Tamil Nadu grabbed the top in annual fish production within 7.75 lakh tons, followed by Gujarat. ठीक है, second पे कौन है? गुजरात. और third पे कौन है? केरला. लेकिन friends, ये state का पूछा है. अगर overall countries में, world में पूछा जाए, यानी globally पूछा जाए, तो India की rank third है. ठीक है, और first पे कौन है? First पे है Indonesia और second पे है China. अगर overall पूछे तो इसमें स्टेट का पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा? तमिलनाडु. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच बैंक हैज लॉन्च द इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, अ फैसिलिटी इन पार्टनरशिप विद कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज. यानी किस बैंक ने एक स्कीम लॉन्च की है इंस्टा लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड. ये किस बैंक ने लॉन्च की है पार्टनरशिप किसके साथ में? कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस के साथ में. तो बैंक कौन सी है फ्रेंड्स? ICICI बैंक. ICICI बैंक के साथ में पार्टनरशिप करी है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस ने लोन प्रोवाइड करने के लिए. ठीक है, अब इसमें लोन फैसिलिटी अप टू 1 करोड़ इंस्टेंटली. ठीक है, यानी कि जो फैसिलिटी है वो 1 करोड़ तक की है लोन फैसिलिटी. और ये फुल्ली डिजिटल और पेपरलेस है इसमें, यानी मैनुअली डॉक्यूमेंट्स के लिए बैंक भी नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौन डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट रिसीव 2020 स्कॉच अवार्ड अंडर 3 कैटेगरीज इन द 65th स्कॉच समिट 2020. 65th स्कॉच समिट के जो अवार्ड ऑर्गेनाइज हुए थे उसमें 3 कैटेगरी में 2020 स्कॉच अवार्ड मौन डिस्ट्रिक्ट को मिले हैं. अब ये मौन डिस्ट्रिक्ट कौन से स्टेट को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, नागालैंड. ठीक है, स्कॉच क्रूशिबल अवार्ड फॉर द डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव ऑन स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूसिव एंड कोविड-19 रिस्पॉन्स. ठीक है, अब इसमें फ्रेंड्स ये जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओपनिंग बैंक अकाउंट्स थ्रू द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, इसके तहत ये स्कॉच अवार्ड्स दिए जाते हैं. ठीक है, अब इसमें मिला किसको है? मौन डिस्ट्रिक्ट को 3 अलग अलग कैटेगरीज में मिला है. तो जो मौन डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ आता है? नागालैंड में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Who will chair the 9-member panel set up by the IRDAI to look at the possibility of the Indian insurance industry or any other sector to offer surety bonds in India? यानी सिंपल सी बात है, एक 9-member panel बनाया गया है members के group को, जिसका head कौन, जिनको chair, यानी कि उनके representative कौन है, जिसमें एक insurance industry surety bonds ऑफर करे इंडिया में. ठीक है, तो उसके पैनल के चेयरपर्सन कौन है या हेड कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी श्रीनिवासन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु हैज ऑथर्ड द बुक टाइटल फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स. ठीक है, यानी पूछा गया है 9 मेगा ट्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के ऑथर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, CAV पट्टाभी राम. CAV पट्टाभी राम जी इसके ऑथर हैं फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स के. ठीक है, अब ऑथर तो CAV पट्टाभी राम है, पर ध्यान रखना इसे लॉन्च वर्चुअली रिलीज जो है यानी कि ऑनलाइन ये किसने करा है? वेंकैया नायडू जी, यानी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने किया है. ये ऑथर है CAV पट्टाभी राम, ये तो ऑथर है. ठीक है, अब उसके बाद में इसमें बताया गया है, इसमें सर्वे है 500 एजुकेटर्स का पूरे इंडिया के, जिन्होंने ICT एकेडमी स्काई कैंपस डिजिटल नॉलेज सीरीज में पार्ट लिया था, उनकी पूरा सर्वे लिया गया है. वही इस बुक के अंतर्गत है उसका सर्वे, फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स का. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फेमस स्पोर्ट्स पर्सन एवर्टन विकीज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स. यानी कि
इवर्टन वीक्स ये एक स्पोर्ट्स पर्सन थे जिनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो ये कौन से खेल से बिलोंग करते थे? तो ये है क्रिकेट। ठीक है, ये वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर रह चुके हैं, प्लेयर रह चुके हैं इवर्टन विक्कीज, और ये रिटायर्ड हुए थे 1958 में क्रिकेट से। इन्होंने उसके बाद में कोच, एडमिनिस्ट्रेटर और आईसीसी मैच रेफरी के तौर पर कार्य किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यूनाइटेड स्टेट बेस्ड इंटेल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल विल इन्वेस्ट ₹1,894.50 crores इन विच इंडियन टेलीकॉम कंपनी। यूनाइटेड स्टेट बेस्ड एक कंपनी है इंटेल कॉरपोरेशन इन्वेस्टमेंट आर्म इंटेल कैपिटल, इसने इन्वेस्ट किया है फ्रेंड्स 1,894.50 crores इंडियन टेलीकॉम कंपनी में। तो वो कौन सी टेलीकॉम कंपनी है इंडिया की? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स जियो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे फ्रेंड्स जुलाई फर्स्ट वीक के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आपने वीडियो को आखिरी तक देखा उसके लिए थैंक यू, और आपने आखिरी तक देखा है तो आपको पसंद ज़रूर आएगा, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हैं कि हम और भी किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी ज़रूर बताइएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उन्हें और भी ऐसे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।